दोस्तों मैं शिव आपसे आपका स्वागत करता हूँ इस एपिसोड में जो एक बीटॉक स्पेशल वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं, वन प्लस सिक्स का लेटेस्ट अपडेट, ब्लैक पैंथर के बारे में कुछ न्यूज़ और मीजू का E3। ये तीन न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं और लेटेस्ट न्यूज़ हैं आज की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला अपडेट वन प्लस को लेकर है। वन प्लस ने रिवील कर दिया है अपना वन प्लस सिक्स। ये कंपनी का सबसे महंगा फ़ोन हो सकता है और इसकी प्राइस होने वाली है, इसकी टॉप मॉडल की प्राइस होगी $749, जो होगी 48,800 रुपीज़। ये सबसे एक्सपेंसिव फ़ोन हो सकता है कंपनी का और ये डैश चार्जिंग को सपोर्ट करता है। Qualcomm Snapdragon 845 से लोडेड फ़ोन है ये और ये प्रोसेसर सबसे लेटेस्ट है अभी तक का। और हमारा अगला अपडेट ब्लैक पैंथर को लेकर है। ब्लैक पैंथर बन चुकी है ट्विटर पे सबसे ज़्यादा ट्वीट की गई हुई मूवी और इसका ये अवार्ड ऑल टाइम का है, सबसे ज़्यादा ट्वीट किया गया है इस मूवी के बारे में। मीशो का E3 ऑफिशियली नोन हो चुका है। कंपनी ने अपडेट दे दिया है कि वो E3 लॉन्च करेगा और ये डुअल कैमरा से लोडेड फ़ोन होने वाला है। ये फ़ोन बहुत ही फीचर्ड और लेस एक्सपेंसिव होने वाला है, उतना महंगा नहीं होगा पर इसके अंदर सारे फीचर्स बहुत अच्छे से होंगे। ये इसकी स्क्रीन 5.99 इंचेस की है, मतलब कि ऑलमोस्ट 6 इंचेस की है और IPS डिस्प्ले है LCD और इसमें 1108x2160 पिक्सल्स हैं और ये स्नैपड्रैगन 636 से लोडेड है। इसका इसमें दो वेरिएंट्स अवेलेबल हैं और मतलब बेसिकली तो दोनों में 6GB ही रैम है, पर एक है 64GB का वेरिएंट और दूसरा है 128GB का वेरिएंट। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका है, डुअल कैमरा वाला फ़ोन है। इसमें एक कैमरा 12 मेगापिक्सल का है जिसका एस्पेक्ट रेशियो होने वाला है 1.5S विच इंचेस 0.1.4 वियॉन्स और ये डुअल ऑटो फोकस फ़ोन है, डुअल पिक्सल ऑटो फोकस फ़ोन है। और इसका दूसरा कैमरा होगा 20 मेगापिक्सल का, वो भी सोनी का ही कैमरा होने वाला है और इसमें पोर्ट्रेट मोड और बैकग्राउंड ब्लर मोड्स अवेलेबल होंगे। आप इसे आसानी से पोर्ट्रेट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऐसा आप यूजुअली एप्पल के iPhone 10 के साथ देख सकते हो। और इसका सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का है, मेटल बॉडी है इसकी और इसका प्री ऑर्डर March 26 से अवेलेबल हो पाएगा, तो वो भी सिर्फ चाइना में, और इसकी शिपिंग स्टार्ट होगी 30 मार्च से। तो दोस्तों इसका 64GB वेरिएंट $284 का है और इसका 128GB वेरिएंट $315 का है। आप हमें बताइएगा ज़रूर कि आपको कौन सा वेरिएंट ज़्यादा पसंद है। तो दोस्तों धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए और हमारे वीडियो को ज़रूर, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो का फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों हम अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में जो कल आएगा। तो दोस्तों धन्यवाद। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।